कि मैं ताराचंद जैन झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, और पारसनाथ जो है ये मधुबन हमारे 24 तीर्थंकरों में 20 की निर्वाण भूमि है। यहाँ का एक एक कण जो है हम लोगों के लिए पवित्र है, और हम लोग 9 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं और बिना जूता चप्पल के चढ़ते हैं। और यहाँ पर यदि ये पर्यटन शब्द जुड़ जाने के बाद से पूरे जैनियों को ये आशंका है कि ये क्षेत्र पवित्र नहीं रह जाएगा, इसलिए हम जैन धर्म के लोगों के में बीच में उबाल आ रहा है, जबकि लोग इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी मैं कल मिला था, कल हाफिज हसन जी से मैं मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर गया, और हमारे कुछ लोग भी गए थे साथ में। मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है कि पारसनाथ की पवित्रता बनाए रखने के लिए आप इसको प्रयास कीजिए, और जो इस तरह की जो बातें आ रही है वो क्या इसमें गजट में है, इस गजट में यदि इस तरह की कोई बात है इसको विलोपित कर दीजिए। और आप समझिए कि हम तो झारखंडवासी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जैनियों के 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर यहीं से निर्वाण प्राप्त किए हैं, तो इसकी पवित्रता बनाए रखे। इसी के लिए जैनियों में बहुत लोग तो समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बात है, लेकिन अब लोगों को आशंका हो गई कि ये पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से यहाँ मत्स्य पालन होगा, मुर्गी पालन होगा, 5 स्टार आएंगे, जूता चप्पल लगेगा। अभी हम लोग बिना जूता चप्पल के पहाड़ पर चल रहे हैं, और आप समझिए हमारे जो मुनि हैं वो एक मोर की पंख रखते हैं और एक चींटी को भी नहीं भरने देते हैं। तो हम लोगों की ये मांग भी है, और सरकार के साथ भी बात हुई है, अभी पर्यटन मंत्री ने भी मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि नहीं हम लोग मुख्यमंत्री से जल्दी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपको भी जाना होगा, और हम लोग मुख्यमंत्री से बहुत जल्दी मिलके और इसका समाधान निकालेंगे, और समाधान निकाल के जैनियों की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे, ऐसा उन लोगों से आश्वासन मिला है। और मुझे भी उम्मीद है कि ये झारखंड में जैन समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, ये बचे रहे।